ये तो वही हो गया, अंग्रेजों वाली बात है, फूट डालो राज करो। जिसके साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं वो सरकार ही ऐसी है। पूरे देश के अंदर इसकी घोषणा की गई थी और ये पूर्व से नियोजित कार्यक्रम था, ये किसको बंद रहेगा। लेकिन बिहार का जो रवैया है, बिहार में ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र बचा हुआ है। भी सरकार में बैठे हुए मंत्रियों द्वारा बोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश के दलितों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अब जिस सिंह। आरक्षण को लेकर आज भारत बंद किया गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कोटे की बात कही जा रही है, क्रीम लेयर की बात कही जा रही है, इसको लेकर तमाम जो SC ST के जो लोग हैं वो आज भारत बंद का आह्वान किए हैं। ऐसे में लाठियां भी उन पर बरसाई गई। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा दास। कैसे देख रहे हैं मैम, जिस तरह से आज आरक्षण को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया, उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही है। देखिए, पूरे देश के अंदर इसकी घोषणा की गई थी और ये पूर्व से नियोजित कार्यक्रम था, ये किसको बंद रहेगा। लेकिन बिहार का जो रवैया है, बिहार में ऐसा नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र बचा हुआ है। बिहार में लग रहा है कि कोई तानाशाह यहाँ पे शासन कर रहा है, और कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, पार्टी के लोग हों, जब भी वो प्रदर्शन करते हैं, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के सड़कों पे आते हैं, तो बिहार सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है उन पर लाठीचार्ज करना, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें आरक्षण को लेकर, जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन दो दलित बड़े नेता, अपने आप को दलित बड़े नेता कहते हैं, जो एक तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी उसका सपोर्ट करते हैं, क्रीम लेयर लागू होने की बात करते हैं, और चिराग पासवान इसको भारत बंद का भी ऐलान कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कैसे देख रहे हैं ये लड़ाई या राजनीतिक सिर्फ कर रहे हैं? ये तो वही हो गया, अंग्रेजों वाली बात है, फूट डालो राज करो। जिसके साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं वो सरकार ही ऐसी है, भाजपा की नीति ही ऐसी है कि फूट डालो और राज करो। एक तरफ से उनको कह दिया गया मांझी जी को कि आपका हक लिया जा रहा है, और इधर हनुमान जो बन के बैठे हुए हैं चिराग पासवान जी, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, दलितों को गुमराह कर रहे हैं। जब आप उनके सरकार में शामिल हैं, आप मंत्री हैं, फिर आपको जनता के सामने आके ये बात कहने की जरूरत नहीं है। आपको बैठ करके बात करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे माननीय भाजपा के जो नेता हैं, जो सरकार बैठी हुई है। रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी बिल्कुल समर्थन करें, इनका भी हम स्वागत करते हैं, दलितों की हित की बात करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत अपने घर से करें। जिस समाज की वो बात करते हैं, और जहाँ अभी आजकल आप लोग के चैनल के माध्यम से सर्वे चल रहा है कि भुइयां मांझी समाज के लोग बहुत पिछड़े हैं, पढ़े नहीं हैं, 10,000 में 5 ग्रेजुएट हैं, तो ये चमार दुसाद नहीं रोक के रखा है उनको पढ़ने के लिए। ये समाज के जो नेता बन के बैठे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने समाज के लोगों को प्रमोट करें, उनको सजग करें, उनको जागरूक करें पढ़ाई लिखाई के लिए। मांझी जी ने क्या किया? मांझी जी को अपने घर में, अपने समाज में कोई और महिला नहीं दिखती है? अपनी समधिन को टिकट दे दिए, कोई और नौजवान नहीं दिखता है? अपने बेटा को मंत्री बना दिए। तो पहले तो आप अपने को देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। अब कोटे के अंदर की, कोटे की जहाँ तक बात है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी की एक ही मंशा है कि दलित समाज को बैकफुट पर लाया जाए और फिर से पुराने जमाने में इनको वापस किया जाए। क्योंकि जिस जो ये क्राइटेरिया फिक्स करेंगे और वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे, तो वो वैकेंसी स्वतः जनरल कैटेगरी में चला जाएगा और दलितों का रिजर्वेशन स्वतः खत्म हो जाएगा। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है, ये मांझी जी भी समझ रहे हैं, लेकिन मंत्रालय के आगे बैठ करके इनके आंख में जिस तरीके से वो मोतियाबिंद हो गया है मंत्रालय का, इसलिए वो दलितों की हक की बात नहीं करके बल्कि बीजेपी की हक की बात कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ राजनीति किया जा रहा है इन दोनों नेताओं के साथ, लेकिन चिराग पासवान ने भारत बंद का ऐलान का समर्थन किया था लेकिन सड़क पर नहीं दिखे, यानी कि सिर्फ बोलने के लिए। वही तो कह रहे हैं ना कि ये दोनों आदमी बैठ करके उनके एकदम से गुलाम हो गए हैं, बीजेपी के गुलाम है ये। एक तरफ से वो बोलते हैं कि हम दलितों के साथ हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। तो ये दो तरह का कंट्रोवर्सी आपस में ही, और वो भी बीजेपी सरकार में बैठे हुए मंत्रियों द्वारा बोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश के दलितों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास, आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।